हल्द्वानी में नैनीताल रूट स्थित वॉकवे मॉल के पास निर्माणाधीन नहर का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के सुस्त गति से किए जा रहे कार्यों पर कमिश्नर दीपक रावत ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इसके कार्य को शुरू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही नैनीताल रोड की एक तरफ की सड़क बंद है, जिससे ट्रैफिक को भी काफी दिक्कत हो रही है। ऐसे में उन्होंने सख्त लहजे में आगामी 30 अगस्त तक सड़क को खोलने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलंब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया है, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं। और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है, और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करें। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा हो।